दिक्कत सर ये है कि आज जो है 11 तारीख से हमारे आदमी अंदर फंसे हुए हैं और यहाँ पे दुनिया भर का प्रशासन आ गया, सबको जा गया, लेकिन यहाँ पे जो है कोई मशीन सही नहीं है, कोई कर्मचारी वहाँ ढंग से काम नहीं कर रहा और वहाँ हमारे आदमी फंसे हैं। आज 5 रात हो गए उनको बाहर निकालने में। एक मशीन लाई वो बोले मशीन खराब हो गई, अब नया मशीन आई दिल्ली से आ रही है अभी। सबकी कमी है, प्रशासन कमी है, कंपनी कमी है, प्रशासन और बीआरपी लोग आ रहे हैं, काहे के लिए आ रहे हैं यहाँ प्रशासन? ये यहाँ रात को एक नहीं दिखाई देते, रात को सारे भाग जाते हैं, रात को कहाँ जाते हैं प्रशासन? सर हमारा यहाँ बोल रहे हैं आप, मैं राम निवास बिजलवान इस नवोदय इंजीनियरिंग कंपनी में काम करता हूँ और यहाँ पर अभी कार्य आप देख रहे हैं अभी बिल्कुल जो है जीरो उस पे है। हम ये चाह रहे हैं कि इनको जल्दी से जल्दी जो है बाहर निकाला जाए। हमारे साथ क्या मेन मुद्दा वही है कि इनको जल्दी से जल्दी जो है बाहर निकाला जाए, नहीं तो हम यहाँ पर काफी वो हंगामा करेंगे। मैं ग्राम प्रधान वार्ड, मैं एक अवसर पर था, मैं जो लोग अंदर फंसे हुए उनकी मैं बाहर आने की शुभकामना करता हूँ कि सकुशल बाहर आए। लेकिन 5 दिन तक अभी तक यहाँ पर कोई भी कार्य कुछ नहीं हुआ है, जीरो कार्य हुआ है, जो इनकी मशीन कभी कुछ होता है सारा जीरो कार्य हो रहा है, कुछ कार्य नहीं हुआ हमारे दिन में, कुछ नहीं हुआ। ये काम ढीला हो रहा है ना, इस वजह से नहीं रहे ऑप्शन चाहिए ना, एक आदमी अगर काम करने भेजो तो दूसरा चीजों को तैयार रखना चाहिए, ये कोई भी आदमी रहता है। आप लोग इसी के काम कर चंकी नायक, मैं झारखंड से हूँ, समस्या यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, पूरा बहुत जुलम हो रहा है। हम चाहते हैं कि कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन हम लोग का आदमी पूरा सुरक्षित निकल जाए, वही चाहते हैं सर। हम लोग का झारखंड से 15-16 आदमी है टोटल, कितना 50 ना कितना आदमी है अंदर में, दिक्कत हो रहा है, वही नहीं देख नहीं पा रहे उन लोग को, खाना खा रहा कि नहीं खा रहा वो चीज दिक्कत है उन लोग के चक्कर में। हम लोग भी कुछ खाए नहीं उस दिन से, मेरा अपना भगना है अंदर, अपना भागीना है जी, मतलब जो फंसा हुआ है मेरा भागीना है। बात हो रहा है, बात हो पा रहा है, बोल रहा ठीक है, लेकिन वो लोग बोल रहा कि कब तक निकालो कब तक निकालो, जब भी बात कर रहे हो वही बात बोल रहा है, कितना वो लोग को झूठ बोलते जाएंगे। आज 5 दिन हो गए, क्यों नहीं निकालो? जितना भी हेल्प टीम मंगाया ना सब मेज में जाके खाना खा के आ रहा, कुछ कर ही नहीं रहा है यहाँ पर, देख रहे हैं
बोला कल मशीन अगर यही हुआ कंप्लीट नहीं हुआ मशीन में फेल हो गया, उसके बोला सुबह तक आएगा, अभी तक आया नहीं। तो बी मिशन तो तैयार करके रखना चाहिए था यहाँ पे, अगर वो भी मिशन अगर फेल हो जाएगा, खुदा न खास भगवान न करे कि वो मिशन सक्सेस होवे, सभी का हम लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं, अगर वो मिशन बाय चांस अगर फेल हो गया तो फिर क्या करेगा, फिर हम लोग का 5 दिन का समय दिया जाएगा, उसमें तो आदमी क्या करेगा, भूखा प्यास में हम लोग कोई सोच से खाना भी नहीं देता है, अंदर नहीं सो पा रहे हैं, ये लोग दिन चुका के रखा है, हाँ आज निकल जाएगा, सुबह को निकल जाएगा, सर रात को निकल जाएगा, ऐसे करते करते कितना चुका चुका हम लोग रखेंगे, अब बोल रहे हैं कि निकालेंगे निकालेंगे, कब निकालेंगे, आज 5 दिन हो गया है, 5 दिन से मिशन पे मिशन करते हैं तो आज वो बाहर होते, और अगर ये होते कोई बोल नहीं रहा कुछ, इसका मतलब ये है कि खाने पीने के लिए पूरा मिल रहा है, क्या मजाक दिखा रहा है, शूटिंग से खाने शूटिंग कर रहा हूँ, दुर्घटना नहीं होता, सेफ्टी से भी काम नहीं हुआ अच्छा से, कोई चीज़ है सारा कल शूटिंग कर रहा है, अगर सेफ्टी में भी काम होता तो दुर्घटना नहीं होता उतना, सेफ्टी वाले होते तो अंदर फंसे हुए होते, सेफ्टी भी कोई अंदर में फंसा नहीं, फंसा है सिर्फ वर्कर से फंसा है, फंसा है